बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर। ते बच्चों, अज आपां एक बहादरी दी कविता तुहाडे नाल सांझी करांगे। बहुत सोहनी कविता है। ते देखो, बहादरी दी जो कुछ आपां देखदे आ बच्चों, अपने दिमाग ते गहरा असर पाउंदा है। ते जिवें आपां पहलां गल कीती सी गेम दी, ओह दिमाग ते अपने गहरा असर पाउंदियां ने। किन्ने बच्चे देखो अपने आप नूं नुकसान पहुँचाउंदे ने। ते अगर आपां किसे बहादरां दी कहानी सुणदे आ, कविता सुणदे आ, तां ओह कविता अपने अंदर बहुत जोश भरदी आ। बहुत सारे थोड़े वर्गे नन्ने मुन्ने जिहड़े बच्चे ने बच्चो, बहुत बहादुर हुंदे ने, लोकां दी जान बचाउंदे ने, फिर उहनां नूं बहुत इनाम मिलदे ने। ते इस करके आपां वी की करना, बहादुर बनना है। ते बच्चो, तुहाडे जिहड़ी पाठ पुस्तक दे विच आ ना, पाठ नंबर 8, बचित्र सिंह दी बहादुरी, ए वाला पाठ कविता है जिहड़ी आपां पढ़दे आ। बचित्र सिंह कौन सन, कोई बहादुर इंसान सन, कौन सन, आओ फिर देखिए। अपा संगत जुड़ी नित वांगरा अज गुरुद्वारे, दसम पिता दे संग सन बैठे हूँ सारे, जो चन्न द्वाले सोब दे ने राती तारे, आके सुईये सिंह ने मुखों फरमाया, हुणे पहाड़ी राजियां एक मता पकाया, एक हाथी राजा केसरी है कितों लियाया, लोगड़ ढाउण वास्ते उन्हां करी तैयारी, सिर हाथी दे बन के लो तवे दो पारी, ओदी सुंड दे नाल है बन दित्ती तलवार दो तारी, मस्त करन लई उस नूं है सुरा प्याई, कल नूं ऐदर आवणा उस करके ताई, ऐदां कह के सिंह ने सी गल मुकाई, सुन के सारी वारता सतगुरु मुस्काए, दुनी चंद वल वेख के मुखों फरमाए, आउंदा हाथी मस्तिया जी सदके आए। ए गल सुन के दुनी चंद डाडा घबराया, सोचण लगा किस्मते किथे मरवाया, एडी वड्डी डील डौल दिल छोटा पाया, एक सिख ने दस्या आण के दूजे दिन तड़के, हरन हो गया दुनी चंद कंध उत्तों चढ़के, लत टूटी कंध टपद्या मरिया सप लड़के, हसके बोले सतगुरु तक चार छपेरा, हाथी विच शरीर दे है जोर बथेरा, शेर नालों पर घट है ओ दे विच जेरा, फिर कहा बचित्र सिंह नू सुन दुल्या शेरा, हाथी करू मुकाबला की सिंगा तेरा, हाथी करू मुकाबला की सिंगा तेरा, दसा हाथियां लई भी तू शेर बथेरा, सुन के सिंह ने घोड़े ते काठी जा पाई, लोगड़ दे वल उसने चट करी चढ़ाई, पुज्या किले दे सामने उस देर न लाई, मस्तिया हाथी आ रहा सी वांग हनेरी, पिछों फौजा उसनू जावन शिशकेरी, सिंह बचित्र गरजिया न लाई देरी, वध्या हाथी वल नू योदा बलकारी, तू नागणी उसने हाथी दे मारी, गई तवे नू चीर दी तस अंदर सारी, हाथी भज्या चीकदा खा फट करारा, इको वार ही सिंह दा कर गया नितारा, भज्या रण चो केसरी लश्कर भी सारा, शेर बचित्र सिंह ने सी रख विखाई, सिंह बहादुर होव दा ए असल सचाई, सिंह सूरमे कदे ना रणपिठ विखाई, सिंह सूरमे कदे ना रणपिठ विखाई। बच्चों, बहुत जोश वाली कविता है ये। असल च बच्चों, जिस तरह मैं पढ़ी है तुहानू कविता पढ़ के सुनाई है, एक कोमल भावां नाल मैं सुनाई है, पर एक जोश नाल पढ़न वाली कविता है। ते जदों भी कोई सवेर दी सभा दे विच जां बाल सभा तुहाडी हुंदी है, उदों कोई मुकाबले हुंदे ने, बच्चों तुसीं पढ़िया करो इस कविता नूं।
मतलब इन्ना कुछ तुहाडी किताबां दे विच भरिया होया, तुसी हर मुकाबले दे विच हिस्सा लै सकदे हो, जोश नाल ही कविता गाउणी है। ते यही तो खासियत सी साढ़े श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, भी वह देखो चिड़िया नूं आपां कहिंदे बाजा नाल लड़ाउंदे सी, वह एक कमज़ोर तो कमज़ोर इंसान के अंदर इन्ना जोश भर दिंदे सन, मतलब भाषावां वह जानदे सन, सच्चे इंसान वह सन, लोगों सीधे ते रस्ते ते पाउण वाले सन। ते इस दे नाल नाल अगर आपां अज दे भाषा दे विच गल करिए, भी वह एक चंगे लीडर सन, मतलब इहो जिहे मुखिया सन जिहड़े कि इन्नी हिम्मत भर दिंदे सन इंसानां दे विच, वह कदे नहीं सी डरदा। इहो जिहे इंसान सन, वह आम इंसान नहीं सन, वह खास सन जिहड़े कि आम नूं खास बना दिंदे सन। ते बच्चो देखिया फिर कौन सन बचित्र सिंह जी, मतलब एक हाथी तक उन्होंने मारता से एक इंसान ने, तो मस्तिया हुए हाथी जो पागल हो जाता ना, वो किसी के रोके नहीं रुकता है, पर उन्होंने देख लो की किया सी, है ना। तो इस करके हिम्मत के नाल कुछ भी आप कर सकते हैं। दसम पिता के दुआले बैठी संगत किवें लग रही सी, आपां तुहाडे तों हुण प्रश्नों के उत्तर पुछदे हां। बच्चों शुरू शुरू के जवाब आप करते हैं, गाइडा देखते हैं, गाइडा दे विचों हाँ जी सानू लब्भे, किते जाण दी लोड़ नहीं हैगी। आपां सब तो पहला प्रश्न भी उस तरह पुछे हुंदे ने जिस तरह तुहाडे पाठ शुरू हुंदे ने। ते देखना आपां संगत किवें लग रही सी गुरु जी दुआले बैठी, सोचो तुसीं किस तरह लग रही सी संगत सारी बैठी। दसम पिता मतलब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दुआले संगत जुड़ी नित वांगरा अज गुरुद्वारे, दसम पिता दे संग सन बैठे हो सारे, जो चन्न दुआले सोभ दे ने राती तारे। देखो फिर व्याख्या से पंजाबी वा पुत्र अपनी, तो देखो इदा लग रहे सी सारे बैठे जिमें चन्न दे दुआले तारे हुंदे हन। चन्न कौन? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ते उन्होंने दुआले किवें लग रहे सन सारे? जिमें कि तारे हुंदे हन। सुईए ने पहाड़ी राजियां दे पकाए मते बारे की दस्या, मतलब कि पहाड़ी राजियां ने साजिश की सी, की गल की सी, तां आपां सत्रां दे अनुसार ही दसदे आं। आके सुईए सिंह ने मुखों फरमाया, हुणे पहाड़ी राजियां एक मता पकाया, एक हाथी राजा केसरी है कितों लियाया, लोहगढ़ ढाउण वास्ते उन्हां करी तैयारी, सिर हाथी दे बन के लो तवे दो भारी। ठीक है ना, भी उन्होंने सुंड दे नाल की तलवार दो तारी बनी सी, भी वह जिहड़े राजे सी बच्चों पहाड़ी राजे सी, उन्होंने लोहगढ़ का किला ढाउण वास्ते जिथे गुरु जी रहिंदे सन उन्हां वास्ते पूरी उन्होंने तैयारी कर ली सी। हाथी नूं मस्ताता सी, मतलब सूरा प्याती सी हाथी नूं, पूरा तवे बन सिर ते लगाते सी तलवारां, भी मतलब हाथी नूं पूरा तैयार करता सी भी उह की कर दे किला ढा दे। ते फिर उस तो बाद सुईए दी वार्ता सुन के गुरु जी ने की कहा, देखो गुरु जी मुस्काउंदे सन, कदे भी घबराउंदे नहीं सन। ते उन्होंने मतलब की किया सी, खुशी होए होने, मुस्कराई होने, वह घबराए नहीं होने। तो फिर की कहांगे आपां सत्रह ही देखो, नाल तुहानूं दस्सिया भी लगातार जिदा कविता पाठ कोई भी चलता उस अनुसार ही तुहाडे प्रश्न दित्ते हुंदे ने। ऐदा कह के सिंह ने सी गल मुकाई, सुन के सारी वार्ता सतगुर मुस्काए। की किया सी उन्होंने? मुस्कुराई सी सतगुरु सारी गलबात सुन के। ते फिर उस तो बाद दुनी चंद बारे सिख ने गुरु जी नू की दस्या सी। बच्चों दुनी चंद घबरा गया सी देख के, तो उन्हें की किया रात नू भजन की कोशिश की, कंध तो जदों छाल मारी सी लत टुट गई सी, ते फिर उत्थे सप्प लड़ के मर गया सी। गुरु जी ने बचित्र सिंह नू की कहा सी? बचित्र सिंह नू कहा सी भी तू बहुत बहादुर आ, ते तू बिल्कुल भी वह नहीं करना, घबराना नहीं है, हाथी दे विच जोर है पर जिगरा नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं है शेर जिनी। ठीक है ना, भी तेरे च हिम्मत आ, दुल्हिया शेरा मतलब संबोधन करिया सी भी, हाथी तेरा मुकाबला की करूँगा। सत्रां की ने हस के बोले सतगुरु तक चार छुफेरा, हाथी विच शरीर दे है जोर बथेरा, शेर नालो पर घट है ओ दे विच जेरा। फिर कहा बचित्र सिंह नू, सुन दुल्हिया शेरा, हाथी करू मुकाबला की सिंगा तेरा, दसा हाथियां लई भी तू शेर बथेरा।
देखो उन्होंने कहता सी भी एक हाथी कि दस हाथी आ जाण तू उन्हां लई कल्ला ही बथेरा है। इन्ना मतलब वह बंदे च जोश भर देंदे सन क्योंकि वह खुद भी नहीं मतलब डरते सी किसी तो बहादुर सन ते बहादुर ही बहादुर बना सकता किसी नूं। उस तो बाद पचित्तर सिंह ने राजा केसरी मतलब जिहड़ा हाथी सी अते उसदे लश्कर नूं रण विचों किवें भजाया सी तां उहने की कीता सी जो हाथी आ रहा सी मस्तिया होया हनेरी दे वांग ता पिछे की सी फौजां सी उहनूं शिशकेर रही सी मतलब जानवर नूं की करदे ने बच्चों जानवर नूं शिशकेरिया जांदा मतलब भी तू अगे चल तां उहने की कीता धूं नागणी आपां देखिया फोटो तस्वीर दे विच वी की कीती उह मतलब किथे मारी हाथी दे मत्थे ते मारी ठीक है ना। फिर हाथी भज्जिया चीकदा खा फट करारा इक्को वार ही सिंह दा कर गया नितारा मतलब फिर की कीता रण चो भज गया सी सारी फौज भज गई सी ते सूरमे कदे भी रण मतलब युद्ध दे मैदान दे विच पिठ नहीं सी दिखाउंदी। तां बच्चो देखिया बहादुरां दी बहादुर सारे हुंदे ने गल करो भी अंदर हिम्मत जगाउण दी लोड़ हुंदी है। तो बच्चे औखे शब्दों के अर्थ करते हैं भी कई थोनों नहीं समझ आए होने सोबदे सोहने लगते जचते फरमाया हुक्म दिता आख्या लो तवे लो दे बने हुए भारी तवे सूरा शराब ताई चढ़ाई वार्ता कहानी मुस्काए मुस्कुराए हसे जेरा हिम्मत हौसला धीरज शिशकेरी हल्लाशेरी दे के मगर आना मूँह की आवाज़ नाल डराउणा बलकारी ताकतवर फट जख्म लश्कर फौज रण मैदान। सो बच्चो आपां वाकां विच वी वर्तना है वह भी दिते हुए ने तुहानू शब्द दिते हुए ने उन्होंने आपां पूरे वाक दे विच वरतांगे बनावांगे मतलब ठीक है। मता पकाउणा उन्होंने पहाड़ी राजा ने सलाह कर ली सी मता पका लिया सी भी हाथी नूं मस्ता के आपां किला ढा दांगे। हरन होना ठीक है वह हरन हो गया सी कौन दुनी चंद डर के भज गया सी ठीक है। तो की कीता सी सप्प लड़ के मर गया सी उपरों छाल मारी सी चढ़ाई करना भी हाथी अते फौजां ने किले दे उपर चढ़ाई कर दित्ती सी। नितारा करना आपां कहांगे बचित्तर सिंह ने इक्को वार नाल हाथी दा नितारा कर दिता। रख विखाउणी भी जो गुरु जी ने कहा सी बचित्तर सिंह नूं बचित्तर सिंह ने उह रख के विखाई सी मतलब उहनां नूं उहनां दा नां चमकाया सी। पिठ विखाउणा भी कदे भी जिहड़े सूरमे ने उह कदे भी उह नहीं करदे पिठ नहीं दिखाउंदे हैगे ठीक है ना। उह हमेशा की करदे ने बहादुरी दे नाल लड़दे ने। सो बच्चो इस कविता तो आपां नूं इही सिक्ख्या मिली है भी आपां बहुत बहादुर बन के रहना है आपां कदे भी किसी तो डरना नहीं है। सुनने ते समझने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद बच्चों।